मेसोपोटामिया का अर्थ है न्यू या उपजाऊ भूमम के बीच। मेसोपोटामिया वह नाम है जिसके द्वारा मनकट पूर्वत के क्षेत्र को जाना जाता है जो टाइमिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित है और इसके विस्तार में उपजाऊ क्षेत्र शामिल है जो यूनानियों के हामशे पर स्थित है। मजस्के मले यह एक क्षेत्र है जो वर्तमान इराक के गैरिमदस्तानी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ मेल खाता है। एक और अंतर आमतौर पर उत्तरी या ऊपरी मेसोपोटामिया और इमक्षणी या मंचले मेसोपोटामिया के बीच मक्या जाता है। ऊपरी मेसोपोटामिया मत्स्य जीरा के नाम से भी जाना जाता है यूफ्रेट्स और टाइमिस के बीच का क्षेत्र उनके स्रोतों से बगियाई तक है। जबकि मंचला मेसोपोटामिया बगियाई से फारस की खाड़ी तक का क्षेत्र है और इसमें कुवैत और पमीनी ईरान के कुछ हम हिस्से शामिल है। मेसोपोटामिया शब्द मुख्य रूप से प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र को स्वयंभथक करता है। उस समय इसे सीरिया उत्तर में और बाबुल इमक्षर में मेमव भामजत मक्या गया रहा। बाबुल मत्सेक्समिया भी कहा जाता है। बिले में अकामिया ऊपरी भाग और कस्मिया मंचला भाग में मवभामजत हो गया रहा। उरिया मनपुर जैसे शहरों के नाम मगलगामे जैसे महान नायकों के हमुराबी की सोमहता और मजगुरात के रूप में जानी जाने वाली असाधारण इमारतों के नाम प्राचीन मेसोपोटामिया से आते हैं और बाइबल या टोरा मेमथक एम्पसोड जैसे मक सावत भौमक बाड या टॉवर ऑफ बैबेल की मकोव्योन्ती इस क्षेत्र में हुई घटनाओं को इशाकती है। मेसोपोटामिया के पूर्थियाष्टमंत मवचार बहुये वाई रे इसका मतलब है मक वे कई देवताओं में विश्वास करते रे। उनका मानना रा मक पृथ्वी एक मवशाल द्वीप है और यह चार क्षेत्रों में मवभामजत है जहां वे एक ही क्षेत्र में गई देवताओं की पूजा करते हैं। लेमकन एक पूरे के रूप में उन्होंने उन सभी की पूजा की और उन्हें श्रद्धांजल अम्पथक की। इस क्षेत्र में पनपी कई सभ्यताओं ने इब्राहिम धमो को प्रभावित मक्या अब्राहम मक धमथे के स्वरवाही मवश्वासों के हैं। अराथत एक ईश्वर में विश्वास और यह मक वे अब्राहम के साथ पहचानी गई आध्यासिक परंपरा को पहचानते हैं। यह शब्द मुख्य रूप से हुई धमत ईसाई धमथो और इस्लाम को सामूहिक रूप से स्वयंभथक करने के लिए उपयोग मक्या जाता है। इन धमों को कभी कभी बहाई समर्थन माओमडियन और दाऊद जैसे अन्य लोगों द्वारा जोड़ा जाता है। ई सा सेपरे तीसरी सहस्राब्दी में नीमपचन का सोय इरबारी साक्षर हल्कों में लोकप्रिय हो गया। मत्स्य जीवन के मिले उपयोगी वाक्य माना जा सकता है और यह सोचने का एक तरीका है। उनके मिले धन्यवाद हम जानते हैं मत सबसे पहले रॉयल्टी का सोबोंद उनकी सैन्य जीत के उत्थान और प्रसार से रा इस अर्थ में यह ध्यान लिया जाना चामहे मक राज्य या सावथजमक क्षेत्र उन लोगों से ना रा मजन के पास मोमिल और महल की सोमपमत भगवान की सोमपमत के रूप में दी मजन के प्रमतमन मत वे पृथ्वी पर रे और मजन का मुख्य उद्देश्य हालाओमक पहले यह मोमिर और कंथचार्यों शासियों पुजारियों और प्रशासकों को बनाए रखने के मिले उत्पाइन अमरशेष प्राप्त कर रहा रा उक्त उत्पाइन के कुल्ला मनियंत्रण की ओर मवकमसत हुआ। मजस के सार मकसानों द्वारा काम की जाने वाली भूमम एक भौमक वैचारक सामंजस्य के तहत प्रभामत्री मत्स्य सत्ता द्वारा पारश्रमक निया जाता रा प्रकाश और स्वच्छता के मिले जो ऊन और तेल के राशन के सार और उम्र और मलों के अनुसार मात्रा में मभंग महल के करीब तराकमर पुरुष रे जो भूमम तक पहुँच की संभावना वाले नागरक रे और महल की गमतम बम्भियों से जुड़े हुए रे सार ही शाही या अंधकारी जो भूमम के शोषण के मिले पूंजी जमा करने में कामयाब रहे रे। एक अन्य सामामजक क्षेत्र तराकमर्त मेजसिनों से बना रा जो उन क्षेत्रों से बना रा जो केवल अपने शारीरिक श्रम और अपने भूखंडों की खेती से रह सकते रे। ये सबसे एक मजोर सामामजक समूहों से सोम्बो मधत रे क्यों मक वे सामामजक रूप से सुरमक्षत रे और राजा के अधीन रे जो जैसा मक पहले खा गया रा वह मोमिर केमले मजम में आ रा अंत में यास या नौकर रे जो उन लोगों से अपने रमजन के पास महल के सार कजधरा और वैस्वैस्चक सेवक रे जो अपने इज्जत का भुगतान करने के मिले काम करते रे या बोनी युष्मनों के साथ योद्धाओं के रूप में काम करते रे। बेबीलोमनियाई और सुमेरियन योनों ने इस पहचान को स्वीकार मक्या मक एक नाम होने का अर्थ है। उनके मिले एक नाम होना अस्तित्व का पयाथेरा और एवीय नामों के ज्ञान में बहुत अमधक प्रमद भमन रे। इस सोमबोंद में बहुत ही हड़ताली इस्तावेज है जैसे मक स्वामी और नौकर का सोमवाई या न्यायसोंगत पींदत का एकाला समान रूप से उल्लेखनीय मलमटल अवेस्ता खोरिया अवेस्ता है जो मपछली मकताबों की तुलना में बहुत अमधक हाल ही में है और मजस की सामी मवम्भन्न माध्यमक देवताओं यजता को सोम्बोमधत महान काव्य सौयत के भजनों से बनी है। मत्स्य सेमजियावाई नेधंत में शामल मक्या है पारसी एकेश्वरवाई इन भजनों का उपयोग मंजी भस्क केमले मक्या जाता रहा और इन्हें आम आईनी और पुजारियों द्वारा सुनाया जा सकता रहा। फारसी काल के यौरान अवेस्ता की सबसे पुरानी पुस्तकों में सच्ची अमूर्थियाष्टमनक अवधारणाएं हैं। मजन में स्वयं के कायों के मिले मानवीय मजन मेयारी या अच्छे और बुरे के बीच स्वतंत्र मवकल्प शामिल है। अवेस्ता मजियन धमत के पंवत्र योनों का समूह है जो पारसी लोगों की पंवत्र पुस्तक और पुरोमत सोमहता का मनमाथन करता है। अपने वर्तमान स्वरूप में यह यो मुख्य भागों से मिलकर बना है। एक ओर हम पूजनीय योर पाते हैं मत्स्य मंगलियानों के मिले भजन जीवन की सभी परस्थर मतों का उल्लेख
करने वाले मन्यम बुराई से शुष्करण के संस्कार और मानियों शामिल है। कई ब्राह्मणीय और पौराणिक करायों और प्रार्थनाओं और आह्वानों का सोयू भी है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शापुर ईसे के डके शासनकाल के दौरान गैलेन के स्थान पर मफकमसत एक मचमकत्सा सोकाय सेमलकर जो ये शापुर में एक अकाइमी की स्थापना की गई थी। पेखथमोन के गैलेन व थमान तुकी में 129 ईसा पूर्व और 216 ईसा पूर्व के बीच रहते रहे वे एक यूनानी मचमकत्सक और याश्मनक रहे। गैलेन के मचार का बीजासिन साम्राज्य में प्रज्वलित इवा पर गहरा प्रभाव पड़ा जो 22वें मध्य पूर्वत में फैल गया अंततः मध्ययुगीन यूरोप तक पहुंच गया जो 17वीं शताब्दी में अच्छी तरह से जीवंत रहा। मध्यम जथियो बुके लाटी मजनों ने अकामियन भाषाशाही भाषा मवज्ञान और सामहत्य ह्यूमन फॉर्म थियाफोलॉजी मेसोपोटामिया के राजनीम तक सोंथरानों के इतिहास और धमत के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रकाशित मक्या है। उनका तकत हैमक स्थन की उत्पमत मेसोपोटामिया के प्रारंभ ज्ञान में वापस खोजी जा सकती है। जीवन मवशेष रूप से द्वोन्वायिकता सोमवाई महाकाव्य कम्बता लोकगीत भजन गीत गद्य कायथ और कहावत के रूप में नैमतकता अनुभवजन्य अवलोकन से प्रवे विलोमन्याई तकत और तकत सोंगत्ता मवकमसक हुई मजस का अर्थ है मूर्थता में एक अभ्यास एब्स्ट्रैक्शन एक मानमसक ऑपरेशन हैमसेम किसी वस्तु की मवमशस्त सोंपमत्या कायत को वैचारक रूप से अलग करने के मले मज्जाइन मक्या गया है और यह सोचे मक यह क्या है प्रश्न में वस्तु के अन्य गुणों की अनेकी करना बेबीलोन का मवचार स्वयं सदरा स्वयं सद की अवधारणा का व्यापक रूप से उन सभी चीजों को स्वयं मथक करने के मले उपयोग मक्या जाता है जो स्पष्ट और सत्य है अराथत यह सांबत होता है मक यह ऐसा है जैसा मक इसे प्रस्तुत और मिखाया गया है और मफर यह सवालों के सामने मन बतवाई और अकात्य हो जाता है उत्पन्न हो सकता है और जो इसे कुछ सोमिक के रूप में मिखाना चाहते हैं या इसके बारे में चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। बेबीलोनियाई मवचार भी खुली प्रणालियों के एक ऑटोलॉजी पर आधारित रहा। ओयोलॉजी का अर्थ है होने का अध्ययन सामान्य रूप से होने और उसके गुणों का अध्ययन और ब्राह्मण को बनाने और बनाने वाली मवम्भन्न मूलभूत सोंथराओं का मवश्लेषण करता है। प्राचीन यूनानी और हेलेमंस स्थन के सिद्धांतों पर बेबीलोन के मचारों का काफी प्रभाव रहा। मवशेष रूप से मनराशावाई के बेबीलोमनियन पाठ सोमवाई मेन्सोमफो द्वोन्वायिकता और प्लेटो के सोमवायों के सार सुकराती पद्मत के अयुत होने के सार समानतायों शामिल है। आयोमनियन याश्मनक रेल्स बेबीलोन के ब्रह्मांड सोमबोंधी मवचारों से प्रभावित रहे स्थन शायों के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। युभाथज्ञ से बोमरियस की शैली में कोई भी योर जीवंत नहीं ओ है लेमकन कमतायो सोमवाई और कहावतें जो ठोस क्रमतंबों का मनमाथन करती है वे स्वतंभमित है। यमी आप इस बारे में अमधक जानना चाहते हैं मक मेसोपोटामिया के सेम्वक मसत हुआ वे कैसे रहते रहे सुमेरियो अकामियो बेबीलोमनियो या अशुरियो की सामामजक राजनीम तक या आमर्थक संरचनाएं क्या रही और फारसी आक्रमण के बारे में इतिहास के विमद्यो येखे यमी आप उनके धमक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर धमों के इतिहास या पौराणिक कराओं के विमद्यो भी येखे।